रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं सब्ज़ी वाले पकोड़े। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये बहुत अच्छे बनते हैं जिस तरह से मैं बना रही हूँ। आप भी इस तरह से एक दफ़ा ज़रूर बनाना, आप सबको बहुत अच्छे लगेंगे। आज की रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 3 कप बेसन लिया है। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे बंद गोभी, आलू, पालक, प्याज, सब चीज़ें मैंने हम वज़न ली है। मेथी मैंने आधा प्याला लिया है क्योंकि मेथी ज़्यादा डालने से ये कड़वे हो जाएंगे। मेथी की खुशबू इसमें बहुत अच्छी लगती है। इसमें हम मिर्चें डाल देंगे, नमक हसबे ज़ायका, साबुत धनिया डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे। इसमें मैंने ज़्यादा पानी नहीं डाला क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से पकोड़े ना क्रिस्पी नहीं बनते। अब हम मिलते हैं 10 मिनट बाद। अब 10 मिनट हो चुके हैं हमारे, मैंने ऑयल गरम कर लिया है। अब हम पकोड़े तल लेंगे। हम इसको हल्की आंच पे फ्राई करेंगे ताकि ये जले ना। पकोड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं, हम इसको निकाल लेते हैं। इस तरह से हम सारे पकोड़े फ्राई कर लेंगे। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।